जौनपुर में बीजेपी का लहरा परचम, निर्दलियों ने दिखाया पूरा दमखम। जिले के 21 ब्लॉकों में 16 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता हाथ लगी है। वहीं सपा को करारा झटका लगा है। करण जाकला, शाहगंज, सुई थाकला, मड़ियाहू समेत कई ब्लॉक समाजवादी पार्टी से छिन गया। शाहगंज ब्लॉक पर विगत कई वर्षों से पूर्व मंत्री व विधायक ललई यादव के परिवार का कब्जा रहा है। आज यह सीट बीजेपी उम्मीदवार मंजू सिंह ने छीन कर पहली बार यहां कमल खिला दिया है। मंजू सिंह को कुल 86 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी सरिता यादव को 68 वोट मिले, एक मत अवैध मिला। उधर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की बेहू पूनम यादव ने कंजरा कला ब्लॉक को सपा से छीन कर बीजेपी के खाते में दे दी है। पूनम यादव को 84 मत, सपा प्रत्याशी गीता यादव को 25 वोट पाकर संतोष करना पड़ा, दो वोट निरस्त हुए। मुंगरा बादशाहपुर ब्लॉक भी बीजेपी के खाते में गई। यहां पर सत्येंद्र सिंह को 68 वोट और समाजवादी पार्टी की चमेली देवी को महज 30 मत मिले हैं। सुजानगंज विकास खंड पर भगवा फहराया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उषा शुक्ला ने 68 वोट प्राप्त किए, जबकि सपा की दीप्ति पटेल को मात्र 37 वोट मिले हैं। मुफ्तीगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी प्रत्याशी उषा देवी ने 33 वोटों के अंतर से सपा उम्मीदवार को शिकस्त दी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए जौनपुर से इंद्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट।